ग्राम पड़रिया से सुनैटी टीका पार घाना जाने वाला 4 किलोमीटर का रोड है। इस रोड पर एक विशाल नदी है जिस पर पुलिया नहीं है, जिसके कारण सुनैटी टीका पार घाना से पड़रिया स्कूल जाने वाले बच्चे बारिश के 4 महीने में नियमित स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। मैं कहाँ गई थी? एडमिशन कराने गई थी। कहाँ तक स्कूल है? स्कूल 12वीं तक। 12वीं तक है। कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ? 9वीं में। कौन कौन था आपके साथ में? हमारे साथ मौसा जी थे और उनकी लड़की। तो आप तीनों फिर बीच में यहाँ पाए और फिर बाढ़ आ गई नदी में। यहाँ पाए और बाढ़ आ गई। फिर बाद में कैसे आप पेड़ पे चढ़ी? बाद में हम लोग ने सोची के पैर उठाए और खिसल जाए तो गिर गए। तो वे लोग जब तक वहाँ गए, पेड़ के तक पहुँचे, तब तक हम बाय में फंसे रहे जड़ में। तो फिर मैंने उनकी लड़की को चढ़ाया, फिर हमें निकाल के हमें चढ़ाया, फिर पेड़ पे ऊपर चढ़ा था। हाँ, कंधे पे पैर रख के चढ़ाया था। कितना वक्त था आप लोगों को जो आप पेड़ पे बैठी रहे? 3-4 घंटे हुए। 4 घंटे। फिर इसके बाद में किसी ने मतलब सहायता नहीं की आप लोगों की? जो के सहायता की, फोन लगाया। कहाँ लगाया फोन? सुल्तानगंज लगाया था, राजस्थान। अच्छा, तो फिर वहाँ की सब पुलिस आई? हाँ। फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने क्या किया? पुलिस वालों ने रस्सी बांधी, फिर बे लोग भी गए और फिर निकाले, कंधे पे बैठाए। एक तरफ तो शासन की जिम्मेदारी है कि बच्चों और आम जनता को सुरक्षा मुहैया कराना, वहीं दूसरी ओर रायसेन जिले के बेगमगंज ब्लॉक के सुनैटी गांव, उसके जैसे 2 गांव के बच्चे जो पड़रिया पढ़ने आते हैं, उन्हें बीच बीच में बिना पुलिया की नदी पार करके पड़रिया आना पड़ता है। इस समस्या को मैंने समस्या वीडियो बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी प्रयास किया बावजूद पुलिया का निर्माण हो सका। आपको क्या समस्या थी और कितने दिनों से थी समस्या? तो स्कूल जाने में रोज हम लोगों को परेशानी पड़ती थी, और समस्या तो बहुत पहले से है कि बूढ़े पुराने आदमों की जमाने से है ये समस्या। लेकिन हम लोग के जीवन में, हम लोग को जीवन भी बिगड़ सकता है इसमें, तो वो घटना तो हो गई पूरी। अभी क्या बदलाव आया है? बदलाव आने से उनके जीवन में क्या बदलाव आया? अभी बदलाव आ गया है और पुलिया बंद है, अब हम लोग नियमित स्कूल जा सकेंगे। मैं ही नहीं, समुदाय का भी मानना यह है कि सामूहिक प्रयासों से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस बदलाव को लाने में जो अधिकारी ने मेरी मदद की है, उन्हें मैं बहुत बहुत सब धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं संगीता, ग्राम सुनैटी, विकास खंड बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहड़ के लिए।